जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। कहते हैं कि लकीरों के मायने नहीं जिंदगी में, तेरी जिद तुझे जीत दिलवाएगी। और ये काम भी वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश होता है। ऐसे लोग ही अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार के साथ अपने देश तक का नाम रोशन कर देते हैं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। तो आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उस बेटी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। बता दें कि रतलाम के मुंदड़ी गाँव के किसान बद्रीलाल डांग की बेटी मीनाक्षी डांग ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। साथ ही रिकॉर्ड बनाने पर सर्टिफिकेट और मेडल भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल मीनाक्षी ने 25 पैसे के 37 सिक्कों पर महापुरुषों की पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद अब मीनाक्षी ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 मिनट में 25 सिक्कों पर पेंटिंग पूरी करनी थी। वहीं उन्होंने 4 मिनट 36 सेकंड में 25 सिक्कों पर पेंटिंग पूरी कर दी। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनका नाम विश्व रिकॉर्ड की सूची में भी शामिल होगा। बचपन में पेंटिंग का शौक था। मीनाक्षी को बचपन से ही पेंटिंग करने का काफ़ी शौक था, काफ़ी पसंद करती थी, जिसके कारण मीनाक्षी ने स्कूल में भी पेंटिंग का विषय चुना और कॉलेज तक उन्होंने पेंटिंग में काम किया। कई सालों तक इसे जारी रखा, लेकिन फिर भी उनके कोई खास उपलब्धि उनको हासिल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने हताश होने की बजाय कला को नए रूप से प्रेजेंट करने की सोची और 25 पैसे के सिक्कों पर 37 महापुरुषों की पेंटिंग बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 25 पैसे के छोटे सिक्कों पर चेहरे बनाना, फिर उनमें रंग भरना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन पेंटिंग शुरू करते ही एक के बाद एक वो करती ही चली गई और उन्होंने बहुत से चेहरे बना दिए। इस पेंटिंग में महात्मा गांधी, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। इंडिया और एशिया दोनों में ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। मीनाक्षी ने 25 पैसे के 37 सिक्कों पर पेंटिंग की और इंडिया के साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। दोनों में ही मीनाक्षी के रिकॉर्ड को चुना गया, साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल से भी नवाजा गया। मीनाक्षी भोपाल में आयोजित युवा उत्सव और विक्रम यूनिवर्सिटी में भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो वहीं वह पत्थर और टायरों पर भी पेंटिंग करती है। मीनाक्षी ने अपनी पेंटिंग के हुनर को कागज पर उतारने के साथ कैनवास और कपड़ों पर भी ट्राई किया है। उन्होंने टायरों की आकृति बनाने के साथ पत्थरों को आकर्षक तरीके से सजाया है। वो रिवर्स पेंटिंग भी कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि वह इसी क्षेत्र में आगे काम करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। विश्व रिकॉर्ड के लिए उन्हें 5 मिनट में 25 सिक्कों पर पेंटिंग करनी थी, जबकि उन्होंने 4 मिनट 36 सेकंड में ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो वहीं मीनाक्षी ने बताया कि पिता ने उसे पहले पेंटिंग के लिए रोका, लेकिन आज वो उस पर गर्व करते हैं। मीनाक्षी के पिता मुंदड़ी गांव में ही खेती संभालने का और अनाज का व्यापार करते हैं। उनके पिता बद्रीनाथ ने बताया कि बचपन से बेटी को पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि उसे पेंटिंग करने से कैसे रोके। उन्हें लगा कि शायद पेंटिंग करने से वह पढ़ाई से पीछे हो जाएगी। उनके रोकने के बावजूद मीनाक्षी ने पेंटिंग जारी रखी और आज उन्हें उनकी बेटी पर गर्व है। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।